हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं द आर्ट मैन। तो गाइस, इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं पेपर्स के बारे में। मैं कौन से पेपर्स काम में लेता हूँ रियलिस्टिक ड्राइंग्स के लिए, इस टाइम कौन से पेपर काम में ले रहा हूँ, सारा बताऊंगा इस वीडियो में। और गाइस, लास्ट तक बने रहना क्योंकि लास्ट में जो बात बताने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस, फिलहाल जो मैं पेपर काम में ले रहा हूँ वो है ब्रशस्ट्रो का अल्ट्रा स्मूथ सरफेस पेपर। ये आप देख सकते हो, ये पेपर काफ़ी अच्छा है, मैं इसको काफ़ी टाइम से काम में ले रहा हूँ। ये मेरे को बहुत अच्छा पेपर लगा। ये अल्ट्रा स्मूथ तो नहीं बोल सकते, इस पर हल्के हल्के टेक्सचर्ड होते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा पेपर है। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये सलमान खान की ड्राइंग है, ये मैंने इसी पे बनाई हुई है। और फिर बाद में उसके बाद मैंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर की ड्राइंग बनाई हुई है, ये देख सकते हो आप, वो भी इसी पे बनाई हुई है। और मैंने एक कलर पेंसिल ड्राइंग बनाई थी ब्लू रोज़ की, वो भी इसी पे बनाई हुई है। तो गाइज, इस पेपर की सबसे ये पेपर इतना महंगा भी नहीं है, ये क्या अराउंड 400 के अंदर आ जाता है और काफ़ी अच्छा पेपर है। और अगर आपको इस पेपर पे जो मैंने ये ड्राइंग बनाई है, जैसे सलमान खान की बनाई है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बनाई है, ब्लू रोज़ की बनाई है, तो आप ये वीडियो जाके चेक कर सकते हो। ये मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर रखी है, तो आप चेक कर सकते हो। तो गाइज़, ब्रशस्ट्रो के बाद जो मैंने पेपर काम में लिया है वो है स्ट्रेथमोर का बिस्टल वेलम सरफेस पेपर 300 सीरीज़। तो क्या इस पेपर की तीन सीरीज़ आती है, 300, 400, 500। तो मैंने अभी तक जो काम में लिया है वो है 300 सीरीज़। तो आप ये पेपर देख सकते हो, ये इस टाइप का आता है, दिख रहा होगा ना आपको। तो गाइज, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये इस पेपर की कि ये थोड़ा थिक आता है पेपर, ये थिक आता है थोड़ा पेपर। और वेलम, इसमें वेलम जो सरफेस है, इसका मतलब है कि ये थोड़ी इसकी सरफेस आती है तो टेक्सचर्ड आती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा पेपर है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, रणवीर सिंह की जो ड्राइंग बनाई है मैंने इसी पेपर पे बनाई है। और अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने रणवीर सिंह की टाइम लैप्स वीडियो बनाई है, वो इसी पेपर पे बनाई हुई है। गाइज, ये पेपर आता है अराउंड, मैंने बाई किया था शायद ये 600 के अंदर लिया था मैंने, तो ये भी काफ़ी अच्छा पेपर है, तो आप इसको भी बाई कर सकते हो। तो गाइज, अब बात करते हैं जो मैंने वीडियो में आपको शुरू में बताया था कि लास्ट में जो बात बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइज, आप में से बहुत से लोगों के मन में ये होता होगा, सवाल आता होगा कि पेपर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ड्राइंग के अंदर, कि पेपर अच्छे पेपर लेने से क्या ड्राइंग बहुत अच्छी बनती है। तो गाइज, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये आप स्क्रीन पे देखो, ये ओल्ड मैन पोर्ट्रेट, ये जो आपको ड्राइंग दिख रही होगी, ये मैंने बनाई है पता है कौन से पेपर पे, जो पेपर अपन काम में लेते, जो ऑर्डिनरी सारी शॉप पे मिलते हैं, स्टेशनरी शॉप पे। दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्लासमेट का अपन ने सब ने ये लगभग काम में लिया है। और ये आती है, ये पूरी शीट आती है लगभग 40-50 रुपीज़ की आती है, और इसमें पेज आते हैं 40 पेजेस आते हैं। तो मैंने ये ओल्ड मैन वाली इसी पे बनाई हुई है, और इससे पहले मैंने एक वेनम वाली ड्राइंग भी बनाई हुई है, वो भी इसी पेपर पे बनाई हुई है। मैंने तो शुरुआत इसी पेपर से की थी, क्योंकि ये ऑर्डिनरी शुरू में किसी को नॉलेज नहीं होता तो सब यही काम में लेते हैं। तो गाइज़, आप ये देख सकते हो कि पेपर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, कि आप कितनी अच्छी तरीके से बना रहे हो समझ के ड्राइंग को। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है। और मैं आपको पहले भी बताया था पहले वाली वीडियो में, और इसमें भी बता रहा हूँ कि गाइज, जो मैं ड्राइंग बनाता हूँ उसमें मैं पेपर या उस चीज़ पे फोकस नहीं करता। तो गाइज़, मेरा फोकस इसी चीज़ पे रहता है कोई भी ड्राइंग बनाते टाइम, कि मैं उसको कितना पेशेंस से बना रहा हूँ, तभी जाके मेरी ड्राइंग इतनी रियलिस्टिक बनती है। जैसे कि ये ओल्ड मैन पोर्ट्रेट है, अब ये पेपर तो था नॉर्मल, लेकिन मैंने उस चीज़ पर फोकस नहीं किया, मैं बस उसको पेशेंस से बना रहा था। और आपको बताऊँ, ये ड्राइंग मैंने बनाई है, 10 से 12 दिन लगे हैं इस ड्राइंग को बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि पेशेंस कितना इम्पोर्टेंट है ड्राइंग के अंदर। तो गाइज, ये वीडियो तो थी ड्राइंग पेपर्स के बारे में। तो गाइज, आगे भी वीडियोस आती रहेगी इन्फॉर्मेटिव। और अगर आपको मेरे आर्टवर्क्स देखने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है द आर्ट मैन 100 नाम से, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो, अगर पसंद आए तो फॉलो कर सकते हो। और गाइज, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेगी, तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सेफ़ रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।